आप भी चाहते हैं कि आपके इंटीमेट एरियाज ग्रूम्ड रहें, अच्छी स्मेल आए, पार्टनर के साथ कॉन्फिडेंट आए, आज मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसी गलतियाँ जो आप बिकनी हेयर रिमूवल में करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हम सब अपने लोअर एरिया को क्लीन रखना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग ओरल सेक्स एंजॉय करते हैं या अलग तरह की सेक्स फैंटसीज होती हैं। लेकिन गलती हम क्या करते हैं ना, हमें हेयर रिमूवल करना नहीं आता, हमें पता नहीं है कि नीचे के बाल कैसे रिमूव करें, क्या डोंट्स हैं, ऐसी कौन सी सावधानियाँ हैं जो आपने ध्यान में रखनी है अगर आप भी कहीं ना कहीं ग्रूमिंग का ध्यान रख रहे हो। कैसे करते हैं, क्या यूज करें, क्या नहीं करना है, डिटेल में बात करने वाली हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं सेक्स काउंसलर हूँ, पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में बताऊंगी बिकनी हेयर रिमूवल की सावधानियां और कैसे करना है, क्या सही तरीका है, डिटेल में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मैं बात करें कि बिकनी हेयर रिमूवल कैसे करते हैं। सबसे पहले समझें कि अपने पास मार्केट में बहुत टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप वैक्सिंग कर सकते हैं, शेविंग कर सकते हैं, या फिर हेयर रिमूवल क्रीम्स आती हैं आप उसे यूज कर सकते हैं, या फिर कई लोग कैंची से कट कर देते हैं कि भाई कट कर दिया आप ठीक हो गया। सबसे पहले समझें कि जब आप सीजर का यूज कर रहे हैं तो फिर पूरे हेयर रिमूव उससे नहीं होंगे और कहीं ना कहीं कट लगने का भी डर रहता है। जब आप वैक्स कर रहे हैं तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी की बर्न्स हो सकते हैं, और थोड़ा अपने प्राइवेट पार्ट को किसी पाला वाली के साथ या किसी स्पा सेंटर में ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वैक्स के साथ इरिटेशन, दर्द, पेन ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूँ आप रेजर यूज़ करो, येस रेजर्स आर वाइडली यूज, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, बट रेजर से जो अब नेक्स्ट टाइम हेयर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा रफ आते हैं, उल्टी डायरेक्शन में आते हैं, और रेजर से भी कट, क्योंकि नीचे की स्किन को सीधी सीधी हमारे हाथ की तरह तो है नहीं, कैसे चलाया हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभी कट लग गया या डायरेक्शन चेंज हो गई, आधे हेयर रिमूव हुए आधे नहीं हुए, इस तरह की कंडीशन में हम पहुंच जाते हैं। स्पेशली मेल्स और फीमेल्स के लिए बड़ी डिफिकल्टी रहती है। अब अगर मैं बात करूँ हेयर रिमूवल क्रीम की, तो हम क्या गलती करते हैं, पहले सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम ना नॉर्मल क्रीम यूज़ करते हैं। अगर मैंने कोई क्रीम यूज़ की जो हाथ के लिए है, जो बॉडी हेयर रिमूवल के लिए, उसको मैं बिकनी हेयर रिमूवल पर क्यों यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरा प्राइवेट एरिया उसके लिए अलग क्रीम्स आती हैं, उसके लिए आपको ये नॉर्मल हैंड क्रीम यूज नहीं करनी है, क्योंकि स्किन थोड़ी सी हैवी है और वहां वाली स्किन बिल्कुल सेंसिटिव है। तो अगर आप कुछ यहाँ के लिए टांगों के लिए यूज कर रहे हैं, वो आप अपनी दोनों थाइस के बीच में नहीं यूज करेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली बैड। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम का ध्यान रखें, अगर उस पर 3 से 5 मिनट लिखा है, 4 से 6 मिनट लिखा है, तो उतना ही टाइम रखें। ऐसा ना हो कि बैठे बैठे गाने सुन रहे हैं, 15-20 मिनट आपने उस क्रीम को रखा, इरिटेशन और रैशेस हो सकते हैं। हर किसी की स्किन सेंसिटिव है, तो हमेशा पानी, कपड़ा अपने पास रखें जब भी आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर रहे हैं, वॉशरूम में बैठें और फटाफट से उस इंटीमेट एरिया को क्लीन करें। आप पैच टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा अपने इंटीमेट एरिया के ऊपर कहीं लगा के देख लिया, आपको लग रहा है मेरी स्किन को सूट कर रहा है, तो डेफिनेटली यू कुड ट्राई इट। तीसरी चीज़ जो हम करते हैं वो है कि है हम बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा पानी यूज़ करते हैं। जब भी आप हेयर रिमूवल करें, गुनगुना पानी, ल्यूकवॉर्म वाटर लें, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी आपको इरिटेशन, इचिंग्स और ये सब दे सकता है। सोप का इस्तेमाल ना करें, कई लोग वॉश करते ही साबुन से रगड़ देते हैं, या उसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी से वॉश करें। हाँ, अगर आप बाद में नहा रहे हो या कुछ है, तो दैट इज़ ऑल फाइन। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें और हमेशा यूज़ करें बिकनी हेयर रिमूवल क्रीम, कभी भी नॉर्मल वाली यूज़ नहीं करनी है। लड़के भी इस चीज़ को समझ लो, लड़कियों को चल थोड़ा पता होता है, बट अंडरस्टैंड, कमेंट सेक्शन में लिख भेजो। किसी और बारे में डिस्कशन करना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। पर्सनलाइज कंसल्टेशन बुक करने के लिए www.drnehamehta.com। बाय बाय।